हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नाइट वर्सेस पॉन एंडिंग की गेम है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पेशली चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर जो था हमारा किंग वर्सेस पॉन, किंग पॉन एंडिंग। अब नाइट वर्सेस पॉन और नाइट के साथ में पॉन कैसे कब गेम खेली जाती है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है नाइट की गेम खेलने में दोस्तों। और खास करके ध्यान रखो कि आपकी एंड गेम अभी पूरी नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ सीखना बाकी है आपको एंड गेम में। जैसे कि बिशप के साथ में पोन, बिशप वर्सेस पोन, रुक के साथ में पोन, रुक वर्सेस पोन, पैर ऑफ बिशप, अपोजिट कलर बिशप, रॉन्ग बिशप, राइट बिशप, बहुत कुछ सीखने का बाकी है दोस्तों। वन बाय वन में सारे जो चैप्टर है आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और अगला चैप्टर आप मिस नहीं किए। दोस्तों अभी हमारी एंड गेम की जो सीरीज चल रही है, मैंने बीच में ओपनिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी कि सर एंड गेम और मिडल गेम के बारे में बनाइए, इसीलिए मैंने ये एंड गेम की स्पेशल सीरीज शुरू की है। यहाँ पे आपको नाइट और ब्लैक के पास दो पॉन है, वाइट के पास सिर्फ नाइट है। और कोई पोजीशन ऐसी होती है जिसमें, जैसे कि नॉर्मली रूल्स ये है कि जिसके पास पॉन है और सामने वाले के पास माइनर पीस है तो पॉन वाला ही ज़्यादातर गेम जीतता है या फिर ड्रॉ होता है। लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे ब्लैक का किंग इसमें बाहर नहीं निकल सकता। आप देख सकते हैं कि किंग को वाइट के किंग ने कंट्रोल किया है। अब यहाँ पे गेम कैसे खेली जाती है? वाइट वाला गेम जीत सकता है। सबसे पहले ब्लैक का टर्न है, जैसे कि उसने किंग h1 किया। अब वाइट को क्या खेलना है? वाइट खेलेगा नाइट f6, उसके बाद किंग h2, समझ लो। ब्लैक अपना टाइम पास कर रहा है, वाइट खेलेगा नाइट g4 चेक। फोर्स मूव है ब्लैक के लिए किंग h1, फिर व्हाइट को एक वेटिंग मूव करना है किंग f1। अब ब्लैक के पास या तो पॉन चलाओ या फिर g4 चलाओ। ब्लैक अगर ये h2 करता है तो सिंपल नाइट f2 चेकमेट आता है, तो h2 नहीं पॉसिबल, इसलिए g4 फोर्स मूव हो जाएगी। तो g5 के बाद व्हाइट खेलेगा किंग f2 और यहां पे ब्लैक के पास ओनली मूव रहती है h2। उसके बाद व्हाइट एक मूव वेस्ट करेगा नाइट e3। अब ब्लैक को फोर्सफुली g4 खेलना पड़ेगा। अब यहां कौन सी मूव होनी चाहिए? अब आप सबको पता है सिंपल नाइट f5, और ब्लैक के पास ओनली होप है g3 चेक और नाइट g3 चेकमेट हो रही। कितनी ब्रिलियंट एंड गेम है नाइट वर्सेस टू पॉन। इस पोजीशन में दोस्तों एक ही मूव का कमाल है ब्लैक के हाथ में है कि ये गेम वो ड्रॉ कर सकता है। अगर ब्लैक ने इस मूव में मिस्टेक कर दी तो ब्लैक विल लॉस इमीडिएटली। आपके पास दो ऑप्शन है, किंग f8 और किंग f7। ये कैलकुलेशन वाली गेम है। ब्लैक लॉसेस आफ्टर किंग f8। अगर ब्लैक ने किंग f8 पहले खेल दिया तो ये गेम लॉस है। जैसे कि नाइट c7, उसके बाद किंग f7 और नाइट e6 सेक्रीफाइस आफ्टर किंग टेक्स e6, सिंपल किंग g8 देन प्रमोट द पॉन। तो ये मूव में एक डिसीजन आपका कितना भारी पड़ सकता है ये देखिए। यहाँ पे हम मूव चेंज करते हैं, किंग f8 के बजाय पहले किंग c7 जाते हैं, सॉरी किंग f7, तो ये गेम ड्रॉ है। लाइक नाइट c7 वाइट ने खेला, उसके बाद किंग f8 आफ्टर नाइट e6 चेक और उसके बाद किंग f7, तो ये गेम कंपलसरी ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि अब वाइट नाइट सेक्रीफाइस के एक मूव जो ट्रायंगल मूव है उसमें नहीं आता है। दोस्तों एक रूल आपको पता है कि पॉन अगर सेवंथ पे आ जाता है और नाइट पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन व्हाइट का अपोनेंट का किंग जब कॉर्नर पे होता है या क्वीनिंग स्क्वायर कॉर्नर में, तो ये पोजीशन ऑलवेज ड्रॉ होती है। यहाँ पे ब्लैक कैन नॉट विन द गेम
बिकॉज रूक पॉन है, रूक पॉन में ये सारे रूल्स लागू पड़ते हैं। ध्यान रखिए, अगर पॉन सेंटर में होता और नाइट पॉन सेवन पे होता इस पोजीशन में, तो ब्लैक कैन विन इजीली, लेकिन रूक वाला पॉन है इस पोजीशन में, ऑलवेज ड्रॉ है। ये किंग, जैसे कि यहाँ पे किंग एच वन आफ्टर किंग, देन किंग जी टू आफ्टर किंग एफ फोर, किंग एच वन और किंग एफ थ्री में स्टेलमेट होता है, किंग जी थ्री में भी स्टेलमेट होता है। घुमा फिरा के किंग अगर कहीं भी आता है इस पोजीशन में तो स्टेलमेट हो जाती है। तो ये पोजीशन गेम ऑलवेज ड्रॉ होती है। अब विनिंग कब होती है ये दिखाता हूँ। ये पॉन सिक्स की जगह सेवन, सेवन की जगह सिक्स पे होता और पीछे से नाइट सपोर्ट करता है, लाइक हम यहाँ नज़दीक में रखते हैं और इस पोजीशन में है। ये पोजीशन में व्हाइट ब्लैक कैन विन इजीली गेम, भले ही रुक पॉन है लेकिन सिक्स रैंक पे है, इसलिए इसका फायदा ब्लैक को आराम से मिलेगा। व्हाइट ने अगर किंग टेक्स नाइट किया तो सिंपल, यहाँ पे किंग टेक्स नाइट देन पॉन एस टू एंड अनस्टॉपेबल द क्वीन। अब व्हाइट यहाँ पे सिक्स किंग एच टू और किंग जी वन एच वन वगैरह खेल सकता है, ब्लैक खेलेगा किंग सी सेवन, जैसे कि यही मूव चलते हैं। किंग जब किंग एच टू आता है किंग नाइट को सपोर्ट करेगा और उसके बाद किंग, अब यहाँ पे ये स्क्वायर ब्लैक ने कंट्रोल कर दिया। अब किंग को जी वन कंपल्सरी या तो एच वन जाना पड़ेगा, उसके बाद किंग जी थ्री आफ्टर किंग एच वन। अब यहाँ पे थोड़े से नाइट के मूव्स आपको करने हैं, जैसे कि घुमा फिरा के यहाँ पे चेक लेने की पोजीशन लाना है, तो नाइट डी थ्री आफ्टर किंग जी वन एच टू चेक किंग एच वन देन नाइट चेक मेट, और अगर किंग एफ वन जाता है तो सिंपल ब्लैक कैन प्रमोट हिज क्वीन। तो ये रूल्स याद रखना है कि पॉन रुक पॉन है तो सिक्स रैंक पे ही होना चाहिए, सेवन रैंक पे आने के बाद गेम ड्रॉ हो जाती है भले ही आपके पास नाइट हो। तो ये रूल्स याद रख के आप बहुत सारे गेम्स ड्रॉ होने से बचा सकते हैं और खुद गेम जीत सकते हैं। और सामने वाले के पास अगर सेवन रैंक पे रुक वाला पॉन है और आपको ये रूल पता है तो आप गेम हारने से बच जाएंगे और सिंपली आप ड्रॉ रिजाइन करने से पहले गेम को प्ले करेंगे और आराम से गेम को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे एंडिंग है, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।